रुक करते हैं भिवंडी के पद्मानगर गायत्री नगर क्षेत्र में, जहां पर हम आपको बता दें कि श्री मार्कंडेय महामुनि वाचनालय समिति द्वारा सांस्कृतिक शैक्षणिक व विद्यार्थियों के गुण गौरव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आपको सबसे पहले तो बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश गोरंट्याला जो कि विधायक है जालना के, उनके साथ में हम आपको बता दें कि सोलापुर की महापौर कंचन एन्नम यह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। सबसे पहले तो वहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के आयोजक हम आपको बता दें कि मार्कंडेय महामुनि वाचनालय समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं संतोष शेट्टी, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर पद्मशाली समाज के लोग हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बच्चों ने अपनी कला को, अपने डांस को लोगों के समक्ष प्रकाशित किया। लोगों ने वहाँ पर बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, यानी कि उनके मनोवृत्त बढ़ाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट भी दिखाई। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर आरएपीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षद पाटिल, नगर सेविका नंदनी गायकवाड़, एलपी गायकवाड़ सहित कई गणमान्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी का स्वागत इस कार्यक्रम के आयोजक संतोष शेट्टी के हाथों पुष्पगुच्छ देकर किया गया। ये दृश्य है भिवंडी के पद्मानगर गायत्री नगर की, जहाँ पर विशेष तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन जो है श्री मार्कंडेय महामुनि वाचनालय समिति द्वारा किया गया था विद्यार्थियों के गुण गौरव के लिए। देखिए इस खास रिपोर्ट को। शैक्षणिक और साहित्यिक प्रोग्राम में उपस्थित इस यमन जी, सोलापुर से आई महापौर जन्नम्मा, श्री कांचन उपस्थित, माताएं बहने भाई और मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं संतोष शेट्टी का दिल की गहराई से उनका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के मेरा सत्कार किया और मेरे हाथ से मेरे समाज वालों का संस्कार करवाया। निश्चित ही है कि जो वाचनालय चला है इसका नाम मार्कंडेय महामुनि के नाम से रखा है, और प्रतिवर्ष यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके समाज के लोगों का सत्कार करना, उनका मान सम्मान करना निश्चित ही एक बड़ी बात है। और मैं पद्मशाली समाज का एक नव आमदार होने के नाते आपका दल फिर से शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सत्कार किया, मेरे गले में हार डाले, मुझे हार का हार तो निश्चित एक प्रकार से बोझा आपने मेरे आंखें डाला है। निश्चित ही आमदार होने के बाद अब तो तीन सरकार की गवर्नमेंट, पहले कभी एक की गवर्नमेंट होती थी, दो की गवर्नमेंट हुई, तीन की गवर्नमेंट हुई, भविष्य में न जाने कितनी पार्टी की गवर्नमेंट हुई, इसका कोई हिसाब मैं आज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन निश्चित एक शब्द मैं आपको मेरी तरफ से देता हूँ कि महर्षि मार्कंडेय वाचनालय को महाराष्ट्र शासन के दरबार से जो भी मदद मिलनी चाहिए मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैं जब आमदार बना तब तक चाहे भिवंडी हो, चाहे नगर हो, चाहे नांदेड़ हो, चाहे समाज का कहीं का वर्ग भी हो, तो मैंने हमेशा मदद करने का काम किया। आपके यहाँ भी भिवंडी में स्कूल है, कॉलेज है, उसके लिए मैंने काफ़ी मदद किया। मैं सोच रहा था कि संतोष शेट्टी भाई हमारे साथ विधानसभा में आएंगे, ऐसा सोच रहा था। मैं मोहन बल्लेवाल जी से वही गाड़ी में बात कर रहा था कि संतोष गिरा कैसे मिले बताओ, हरकत में संतोष जी आपका भविष्य अच्छा है, आपको अगली बार अगर कांग्रेस से रहे तो मैं भी एक दिन मेरा प्रचार छोड़ के आपके प्रचार के लिए जरूर ही आऊँगा। निश्चित आप सभी समाज बांधवों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भिवंडी जी जैसे शहर के अंदर समाज के स्कूल, समाज के कॉलेजेस, समाज की शैक्षणिक संस्था आप लोगों ने यहाँ खड़ा किया, खड़ा ही नहीं किया बल्कि एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया है, इसे मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ।
और पुनः अपने शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। इजाजत मानता हूँ कल मेरा मंत्रालय के दोषी नीति में आप सबका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।